हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं चार उपटंस जो आप अपने बेबीज पे और बड़े बच्चों पे भी यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि इन उपटंस को बनाना कैसे है और लास्ट में इसको लगाने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा नए पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करें, बिकॉज आई एम श्योर कि उपटन कैसे बनाना है ये सबके लिए एक स्ट्रगल होता है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला उपटन है ब्रेड मलाई उपटन, जिसके लिए यहाँ हमने एक वाइट ब्रेड ली है, इसके साइड्स हमने काट लिए हैं, साथ में यहाँ पे हमने मलाई ली हुई है और ये कच्चा दूध लिया है। इस बोल में हम ये उपटन अब बनाएंगे। तो हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के यहाँ पे हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। अब इन पीसेस में हम एक चम्मच मलाई डाल देंगे। मलाई बेसिकली जाके लुब्रिकेंट का काम करता है, जो एक चिकनाहट होती है उपटन में वो देता है, बिकॉज बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो आप कुछ भी हार्श उपटन नहीं बना सकते हो, अदरवाइज उन्हें रैशेज होने के चांसेस हैं। और इसमें अब हम कच्चा दूध भी मिला लेंगे। तो यहाँ हमने दो चम्मच कच्चा दूध मिला लिया है। अब आप इसको मिक्स कर लोगे। तो इस तरीके से आप हाथ से स्पून से इस मिक्सचर को मिक्स कर सकते हो और आप देख सकते हो कि ये और सॉफ्ट होता जा रहा है। इसको आप बिल्कुल छोटा छोटा मिक्स कर लो तो इस तरीके का ये दिखता है। ये लिक्विडी पेस्ट नहीं बनेगा, ये इस तरीके का पेस्ट बनेगा जो हम ऑयल मसाज के बाद बेबी की बॉडी पे लगाएंगे और फिर रगड़ेंगे। सो गाइस, सेकेंड उपटन है मसूर दाल का उपटन। तो यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है मसूर दाल का पाउडर। ये हमने घर पे ही दाल का पाउडर बनाया हुआ है, ये हम एक चम्मच लेंगे। फिर हम एक चम्मच इसमें बेसन ऐड करेंगे। जो भी चम्मच आप यूज़ कर रहे हो उसी का हाफ स्पून आप यहाँ पे अंबा हल्दी पाउडर लोगे। ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और हाफ स्पून ही हम यहाँ पे चंदन लेंगे। इस चंदन में केसर भी एडेड है, इसलिए इसका कलर थोड़ा ऐसे है। केसर अगेन स्किन के लिए अच्छा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। यहाँ पे कच्चा दूध है जो हम अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। और ये घर में ही जमी हुई मलाई है अगेन, जिसको हम एक चम्मच यूज़ करेंगे। तो मिक्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया एक चम्मच मसूर दाल का पाउडर। गाइज, आपके बेबी की एज के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। हम यहाँ पे आपको एक चम्मच के हिसाब से क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ये हमने अब ले लिया एक चम्मच बेसन पाउडर, ये हो गया हाफ चम्मच अम्बा हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच हमने डाल दिया चंदन पाउडर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को। अब इसमें एक भर के स्पून डाल दीजिए मलाई। देखिए, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप जो भी ऑयल मसाज के लिए यूज़ करते हो उसके भी कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हो। मेन इंटेंशन मलाई का होता है कि आपको चिकनाहट लानी है। अब यहाँ पे हम दूध ऐड कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ दो चम्मच ऐड करेंगे, अगर हमें लगेगा कि थोड़ा और लिक्विड बनाना है तो आप दूध को बढ़ा भी सकते हो। ये कच्चा दूध है। अब इसको मिक्स करते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आपको इसे मिलाना है। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और लिक्विडी हो सकता है तो हम थोड़ा सा इसमें कच्चा दूध और ऐड कर देते हैं। और ये जो मिक्स आप बना रहे हो ना, ये इंस्टेंटली बनाना, बिकॉज अगर आप इसे बना के रख देते हो तो ये सूखना शुरू हो जाता है। तो इंस्टेंट, जब तक बच्चे की ऑयल मसाज हो रही है उसके बाद आप इसे बनाओ, फटाफट बन भी जाएगा और आप इसे लगा भी दोगे। सो गाइज, ये परफेक्ट लिक्विड कंसिस्टेंसी है। देखिए, ये एकदम से भी नहीं गिर रहा है और धीरे धीरे गिर रहा है। तो दिस कंसिस्टेंसी इज़ गुड फॉर बेबीज़। आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि शायद हमने हल्दी ज़्यादा डाल दी है, वो इसलिए बिकॉज ये अम्बा हल्दी पाउडर है। ये बना ही स्किन के लिए होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप घर की हल्दी यूज़ करोगे, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मत करो, तो फिर आप चुटकी भर ही डालिएगा, बिकॉज वो हल्दी स्किन के लिए नहीं, खाने के लिए ज़्यादा बनी होती है। सो गाइज, अब हम बनाएंगे आटे और बेसन की लोई। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है हेयर रिमूवल के लिए। सो यहाँ पे हमने आटा ले लिया, जो भी आटा आप घर में रोटियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हो वो ले लो। तो हम यहाँ पे एक चम्मच आटा डाल रहे हैं, उसी के साथ हम यहाँ पे एक चम्मच बेसन डाल रहे हैं, की भर हम यहाँ पे अम्बा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच घर में जमी हुई मलाई। सो गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे लोई बना रहे हैं तो हमें हाथ का अपने यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप आटा गूंथते हो उसी तरीके से आप उसी मोशन में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको गूंदना शुरू कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं कच्चा दूध। आप कच्चा दूध बहुत कम स्टार्ट करिएगा डालना, बिकॉज आपका फिर लोई जो है उसकी कंसिस्टेंसी ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल आटे के रोल जैसा ही ये बनना चाहिए। तो हमने एक चम्मच से भी कम दूध डाला और मुझे लग रहा है कि ये बन गया है इतने में ही। तो बस इस तरीके से आपकी आटे बेसन की लोई तैयार हो गई है, जो आप बेबी की बॉडी पर अब रगड़ सकते हैं।
तो गाइज नेक्स्ट हम सेम आटा बेसन का उपटन बनाएंगे, बट इस बार लोई नहीं, हम लिक्विड कंसिस्टेंसी में बनाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे लोई में जब आप इसे बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और उनको सूट भी नहीं करता, तो आप लिक्विड कंसिस्टेंसी यूज़ कर सकते हो। तो सेम इन्ग्रीडियंट्स हैं, बस सिर्फ हमें कंसिस्टेंसी चेंज करना है। ये हमने ले लिया एक चम्मच आटा, ये हमने ले लिया एक चम्मच बेसन, चुटकी भर हम ले रहे हैं यहाँ पे अम्बा हल्दी पाउडर, एक चम्मच हम लेंगे इसके बाद मलाई, ये हमने एक चम्मच मलाई ले ली। बस अब यहाँ पे हम दूध ज़्यादा डालेंगे, तो बस अब यहाँ पे 2 स्पून हमने लिया अभी स्टार्टिंग में, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम और ले लेंगे। बस इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए। बस हम एक चम्मच यहाँ और डाल रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ये थिक है, इसको लिक्विड किया जा सकता है एंड परफेक्ट। ये लिक्विड कंसिस्टेंसी बेबी पे लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइस देखिए ये कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बेबी की बॉडी पे लगाने के लिए। सो गाइज आई होप ये उपटन आपको काफी सिंपल लगे होंगे, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। हमने अपने दोनों ही बच्चों पे ये उपटन ट्राई किए हुए हैं और ट्राई करने के बाद ही आपसे शेयर कर रहे हैं। दोनों बच्चों पे इसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले। डेफिनेटली ये है कि हर उपटन हर किसी को सूट नहीं करता, जैसे जो ब्रेड मलाई वाला उपटन है वो मेरी डॉटर को सूट नहीं करता, बट मेरे बेटे को बहुत ज्यादा सूट किया था। तो कौन सा उपटन आपके बेबी को सूट करेगा वो तो आपको ट्राई करके ही पता करना पड़ेगा। सो गो अहेड ट्राई, आपको ही पता चल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है कि उपटन लगाना कब है। तो देखिए उपटन का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपने अपने बेबी को जो भी आप ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, आपने एक मसाज कर दिया। मसाज करने से क्या होता है, जो स्किन होती है वो काफी सॉफ्ट और एक चिकनी स्किन हो जाती है। उसके बाद आपने ये उपटन बना लिया। उपटन को आपको बहुत देर पहले से बना के नहीं रखना है, नहीं तो वो सूखा पड़ जाएगा। आप उसी टाइम क्विकली ये उपटन बनाइए, फटाफट बन जाएगा। आपने बनाया और उसके बाद अपने बेबी की बॉडी पे लगा दिया। अब ऑयल लगा हुआ है उसके ऊपर से ये उपटन लग गया। अब आप इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उपटन को थोड़ा सा ड्राई होना ज़रूरी है ताकि जब आप स्क्रबिंग करें तो अच्छे से उसका असर आ सके। स्पेशली जो हेयर रिमूवल के लिए उपटन यूज़ होता है उसमें आपको थोड़ा हार्ड स्क्रबिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि बाल जो हैं वो आसानी से टूट के निकल जाएं। वैसे ही बच्चों के बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कई बच्चों के बाल तो ऑयल मसाज से ही निकल जाते हैं, तो उपटन का इसलिए थोड़ी देर के लिए स्किन पे रहना ज़रूरी है। अब डिपेंडिंग ऑन द वेदर, जो उपटन है समर्स में जल्दी सूख जाता है, विंटर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है सूखने में, तो वो टाइम आप देख लीजिए कि आपकी बेबी की बॉडी पे कितना लग रहा है। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रबिंग शुरू कीजिए। स्क्रबिंग आप अगर बेबी बहुत छोटा है तो थोड़े हल्के हाथ से करेंगे, पर जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा हाथ जो है आपका और हार्ड होना चाहिए, अदरवाइज उपटन अपना काम नहीं करेगा। आपने स्क्रबिंग करी, स्क्रबिंग करके पूरा जो उपटन है वो बॉडी से निकल गया। अब आप अपने बेबी को बाथ के लिए ले जा सकते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि अब क्योंकि उपटन लगा है बॉडी पे और सारी डेड स्किन, सारी जो मैल है बॉडी की वो सब निकल चुकी है, तो उनको कोई सोप या बॉडी वॉश नहीं लगाना है, तो वो भी बिल्कुल सही तरीका है, आप अवॉइड कर सकते हैं। आप बच्चे को सीधा पानी से नहलाइए और लास्ट में कच्चे दूध से हल्का सा बॉडी को रब कर दीजिए, जिससे बॉडी का मॉइस्चर लेवल वापस से बैलेंस हो जाएगा। एंड आप बच्चे को निकाल के क्रीम और जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वो लगा लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, आप फिर भी बॉडी वॉश या सोप लगाना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि अच्छे से बेबी पूरी तरह क्लीन हो जाए, तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि वो बेबी सोप या बेबी वॉश ही होना चाहिए ताकि वो काफी जेंटल हो स्किन पे। तो ये था सबसे पहले प्रोसेस। अब दूसरा क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि क्या उपटन रोज करना है। तो देखिए जब बेबी बहुत छोटे होते हैं, जब उनकी स्किन पे आपको काफी ज्यादा बाल दिख रहे हैं, तब डेली बेसिस पे उपटन करना इज ऑल्सो अ गुड आइडिया, बिक�ज जब आप रेगुलर करोगे तो धीरे 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 2-3 महीने में ये सारे बाल निकल जाएंगे। बट अगर आपका बेबी बड़ा हो चुका है तो आपको डेली उपटन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक्सफोलिएशन बेबी की स्किन को नहीं चाहिए होता, तो आप हफ्ते में 2-3 बार मैक्सिमम 4 बार, डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया में रहते हो, कितना एक्सपोजर होता है डर्ट का, बेबी की स्किन कैसा फील कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप 3-4 बार भी हफ्ते में ये उपटन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि कौन सा उपटन कब यूज़ करना है। तो देखिए जो गीले वाले उपटन है वो समर्स के लिए अच्छे रहते हैं, बिकॉज समर्स में ठंडा ठंडा फील होता है, आराम से बेबी जो है वो स्क्रब करा लेता है। जो आटा लोई वाला उपटन मैंने आपको दिखाया वो विंटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आटे की लोई है आपकी बॉडी पर रब होगी
लगेगी तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी गीली चीज़ अगर बेबी की बॉडी पे विंटर्स में लगेगी तो ऑब्वियसली बेबी को उस टाइम पे ठंड लगने के चांसेस होते हैं और बेबी को परेशानी हो सकती है, अनलेस आपने हीटर चलाया हुआ है या धूप आ रही है और वहाँ पे आप एक वार्म जगह पे बेबी की मसाज कर रहे हो, देन इट्स ओके। बट अदरवाइज प्रेफर ये करो कि विंटर में आप आटा लोई लगाओ और समर्स में आप आटा लोई या ये जो बाकी मैंने आपको दिखाए हैं आप उनमें से कोई भी उपटन लगाओ। एंड एक और ज़रूरी क्वेश्चन है कि उपटन लगाना बेबी को स्टार्ट कब करें, तो मेरा ये सजेशन होगा कि अराउंड 30 डेज का हो जाए बेबी उसके बाद आप उपटन लगाना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज जब उपटन बॉडी पे लगता है तो थोड़ा सा हाथ जो है वो स्ट्रांग लगाना ही पड़ता है जिससे बेबी काफ़ी रोता भी है और बेबी की स्किन डेलिकेट होती है, तो थोड़ा सा उन्हें एडजस्ट करने दीजिए न्यू एनवायरमेंट पे, उसके बाद आप उपटन स्टार्ट कीजिए। एंड गाइज इनिशियली हो सकता है कि बेबी रोए बिकॉज ऑब्वियसली उपटन थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आप डेली करते रहेंगे तो बेबी की ये जो है आदत बन जाएगी और बेबी का रोना भी छूट जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जहां तक बात रही कि क्या हम बड़े बच्चों पे लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। मैं तो आज तक खुद भी ये बेसन का जो उपटन है अपने फेस पे लगा लेती हूँ, कबीर के ऊपर हम ये लगा लेते हैं, तो आप ये डेफिनेटली बड़े बच्चों पे भी लगा सकते हैं। हाँ, बड़े बच्चों का हेयर रिमूवल होगा या नहीं ये थोड़ा सब्जेक्टिव है बिकॉज हेयर काफी स्ट्रांग हो चुके होते हैं, बट उपटन के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं हेयर रिमूवल के अलावा। ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को हटाता है, स्किन में एक ग्लो लाता है, एक नेचुरल क्लेंजर का काम करता है जो सारी चीज़ें आपको किसी भी सोप बॉडी वॉशेस वगैरह से नहीं मिल सकती। तो नेचुरल रेमेडीज जो होती हैं उनके डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अलग होते हैं। एंड क्योंकि हम यहाँ पे बेबीज की बात कर रहे हैं तो एक और अवेयरनेस मैं आपको देना चाहती हूँ। अमेजोन पे एक ब्रांड चेकआउट कीजिए, नाम है प्लम बनी, जहाँ पे आपको बेबी एसेंशियल प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस के हैं। स्पेशली उनका मस्टर्ड सीड्स पिलो एक सुपर हिट आइटम है जो हर न्यू पेरेंट के पास होना ही चाहिए ताकि बच्चों को फ्लैट हेड की प्रॉब्लम ना आए और बच्चों की हेड शेप भी ठीक रह सके। सो गो हेड एंड चेक आउट प्लम बनी ऑन अमेजॉन गाइस, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स वहां पे बच्चों के लिए मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।